A majority of farmers in India are in favor of the legislative reforms that the government had wanted to bring but had to take back. What does this mean after this disclosure from a senior member of the Supreme Court appointed panel on? The farm laws, Anil Ghanvad, what might it mean for the future of these legislations? Will a victorious BJP government consider bringing them back? This debate is raging on even as farmers' unions are talking about resuming their protests once again. How might a BJP that? Is content in the fact that these legislations did not prove to be a major political factor in the outcome of these elections. React to a new protest. Let's go across now to Anil Khanbert. Anil Khanbert is a member of the Supreme Court appointed uh, panel on the farm legislations. Remember his report, the report of his panel has been uh, sealed and locked, and he has now placed it in the public domain. Let's go across there to Mr. Anil ji, Namaskar. कि कुछ महीने पहले जब हम बात कर रहे थे आपने तब भी बोला था कि अगर ये रिपोर्ट पब्लिक की नहीं जाती तो आप इसको खुद पब्लिक करेंगे अब आपने वो किया और आपने कहा है कि 86 परसेंट जो किसान है वो इन लॉज जो नए कानून है उनके पक्ष में थे लेकिन इसका एक काउंटर ये आया है कि जो मेन प्रोटेस्टिंग यूनियंस थे वो तो आपके पैनल के सामने उन्होंने पेशगद्दी ही नहीं की तो आप कैसे कह सकते हैं कि मेजोरिटी वॉज इन सपोर्ट तो हमने कब कहा कि ये सबका है जो हमसे इंटरेक्ट किए उनमें से 61 परसेंट सपोर्ट में है अगर ये आ जाते तो इनका परसेंटेज और बढ़ता अब 14 परसेंट खिलाफ है तो 20-25 परसेंट हो जाते तो ये लोग अगर सा, सामने आते तो आ, सही हमें जजमेंट आ जाता कि कितने सपोर्ट में है और कितने आ, इसके अगेंस्ट है तो ये लोग आए नहीं तो ये इनका फॉल्ट है अब जो हमसे रिएक्ट किए उनका जो कहना है हमने ले लिया अगर ये हमारे साथ रिएक्ट करते और उनका कहना अगर हमें समझता तो हम भी ये वो इंक्लूड किया जाता और उस हिसाब से रिपोर्ट बनती ये रिपोर्ट हमें मैंडेट ये था कि जो किसान संगठन कहेंगे जो बाकी स्टेक होल्डर्स कहेंगे उसको हम आ, 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 एक जगह लाके उस पर हमारा रिपोर्ट निर्भर होता ये हमारी खुद की ओपिनियन नहीं है या हमारे खुद के व्यूज नहीं है जो इन लोगों ने कहा है, ये ये कंसोलिडेट करके हमने इस रिपोर्ट में पेश किया है तो ये मानता हूं मैं कि इसमें अपोज करने वालों के परसेंटेज घटा है लेकिन इसके जिम्मेवार भी एस के के लीडर्स है जो हमसे इंटरेक्ट नहीं किए हैं लेकिन जब आप कहते हैं और आपने ये बयान दिया है कि साइलेंट मेजॉरिटी कि उनके साथ एक नाइंसाफी हुई है कि इन फार्म लॉस को रिपील किया गया तो आपका दावा यही है कि जो इस कंट्री के मेजोरिटी फार्मर्स हैं वो वो चाहते थे कि ये कानून आए किसी ना किसी वर्जन में लेकिन जब संयुक्त किसान मोर्चा कहता है कि चालीस गुट आपके सामने आए ही नहीं तो ये साइलेंट मेजोरिटी की जो आपने आर्ग्यूमेंट की है वो आप किस बुनियाद पर करते हैं साइलेंट मेजोरिटी है जो रिएक्ट हुए उनमें से 61 परसेंट कह रहे हैं कि हमें चाहिए तो ये मेजोरिटी है ही और ये लोग जो दिल्ली बॉर्डर पे बैठे थे ये दिल्ली से 50-100 किलोमीटर के अंतर पे रहते हैं जो सपोर्ट करने वाले ले पूरा देश हजार बारह सौ पंद्रह सौ किलोमीटर है वो यहाँ आके सड़कों सड़कों पर नहीं बैठ सकते थे ये बेचारे किसान तो दिन भर बैठ के शाम को घर जाते थे आप अपना काम निपट के फिर दो दिन बाद चार दिन बाद कभी ये बैठता था कभी वो आता था जी, तो ये so, बाकी uh, देश के किसानों के लिए मुमकिन नहीं है और जो सपोर्ट में है वो भी वो भी अपनी ताकत दिखाएंगे जरूर दिखाएंगे। जरूर